ओके okay. तो आज हम देखेंगे कि तो पश्चात क्रम में ये आता है काल अवधि में जो भी काम करते हैं हम उनको पश्चात क्रम में इंक्लूड करते हैं अब वो क्या क्या आते हैं इसमें आता है लंगन धूम्रपान आतुर के परिहार्य विषय क्या क्या है ठीक है वो उसको नहीं करने हैं संसर्जन क्रम और संतर्पण चिकित्सा और वमनोत्तर शोधन आदि क्रम सबसे पहले देखते हैं लंघन अगर हमारे पास ममनार्थ औषध पिलाने के बाद ठीक है जीर्ण लक्षण नहीं दिखाई पड़े तो वमन के बाद हमें लंघन करा देना चाहिए अब अगर हमारे पास वमन के सम्यक लक्षण आ गए हैं तो भाई हाथ पैर धुला के उसको आश्वस्त करके एक मुहूर्त तक हमें समर्था के अनुसार स्नेहिक विरेचनिक उपशमनीय धूमपान के साथ उसका धूम्रपान करा देना चाहिए ठीक है अब किस किस बंदे को हमने स्नेही कराना है विरचनिक कराना है उसके लिए बताया हुआ है कि डलन ने कहा है कि जो वातज प्रकृति वाले हैं उन्हें स्नेही कराना होता है अब वाले जो है वाला जो धूम्रपान है वो कफ और पित्त वालों को कराना होगा उपनीय समदोष वालों को कराना होता है इनमें से कोई भी एक पिला देना है फिर उसके बाद फिर से हमने पानी पात हाथ हाथ पैर धुलवा दु, दु, देने है। ठीक है फायदा इससे ये होता है कि जो भी कफ के कारण गले में उपस्थित स्निग्धता या पिशिलता या उपलेपता होती है वो कम हो जाती है और कंठ में कंठ में मुख के नासा के जो स्रोत होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं ठीक है इसके बाद हमारे पास आता है कि संसर्जन क्रम क्या है पश्चात क्रम में ही आएगा ये अगर हम इसको थोड़ी सिंपल भाषा में देखें तो ये है कि इट इज अ स्पेसिफिक डाइट जो हम प्रिस्क्राइब कब करते हैं जब संशोधन क्रम हो जाता है और वो फ्रॉम दिस आफ्टर द संशोधन क्रम टिल द पेशेंट स्टार्ट टेकिंग नॉर्मल डाइट उसको हम संसर्जन क्रम ले सकते हैं ठीक है इसकी डेफिनेशन चरक के सिद्धि में में है लघु आहार जो, जो तो की, रक्षा करते हुए, की एक योजना जाती है उसे संसर्जन क्रम कहा जाता है तो जो भी डाइट प्लान उस टाइम बनाया जाता है उसे संसर्जन क्रम के अंतर्गत मान लेना चाहिए अब इस चीज से फायदा क्या होगा अब देखो हम यूजुअली एक नॉर्मल एग्जांपल देखे इन्होंने समझाया है कि मान लो अग्नि बहुत ज्यादा कम है उसके ऊपर हम सूखे तिनके वगैरह डाल देते हैं या गोमय वगैरह डाल देते हैं तो फिर से प्रज्वलित हो जाती है अग्नि ठीक है उसके अंदर फिर जौन से भी तुम पदार्थ डाल दो उसको वो पकाने की शक्ति रखती है ठीक है तो उसी तरह से इन्होंने समझाया है कि उसी प्रकार वमन विरेचन के बाद जो मंद पड़ी हुई अग्नि होती है वो पया विलेपी आदि क्रमश सेवन करने के बाद महान स्थिर और सभी प्रकार के भोजनों को पचाने में समर्थ हो जाती है ठीक है उसके बाद इन्होंने बोला कि सुश्रुत ने तीन प्रकार के बल का हीन बल का किया है जैसे मतलब बलवान बंदा है उसे एक बार मध्यम बल वाले को दो बार हीन बल वाले को तीन बार इस अन्य क्रम का सेवन कराना चाहिए अब देखते हैं वो संसजन क्रम विधि क्या है ये वाला हमें श्लोक याद रखना है कि पया विलेपी अकृतम कृतम च चयुषमित कश्च अः क्रमण सेवेत विशुद्ध काय प्रवर मध्य अवशुद्धि ठीक है इस चरक के अंदर ये वाला श्लोक दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि पेया क्रम ठीक है हमें प्रवर मध्य और अवर शुद्धि वाले आतुर को पेया विलेपी अकृत कृतयूष अकृत मास कृत मासन दो एक अंकाल देकर सात दिन में आतुर को प्राकृत भोजन पर लाया जाता है अब इस चीज का बेसिक मतलब क्या है वो हमें बहुत सिंपल सी भाषा में लिख के बताया है कि प्रवर शुद्धि के लिए जब बहुत अच्छी शुद्धि हुई है तो तीन मध्य शुद्धि के लिए शुद्धि के लिए एक अनकाल में पे आदि क्रम से आहार में देना चाहिए अब पेय आदि का क्रम हमें पता है आ, विलेपी अकृत फिर कृत यूश और फिर मास्टर ठीक है ये हमें समझ आता है इसको आगे भी हम एक टेबल की फॉर्म में भी देखेंगे उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेया बेसिकली है क्या पेय जो है वो पीने योग्य है अर्थात पतला सा सूप वगैरह होता है विलेपी का मतलब है जो पेय कुछ थोड़ी सी गाढ़ी हो जो पात्र हाथ या मुख में लग जाए या लिप जाए ठीक है अब आता है अकृत योश जिसमे घी तेल सौंठ लवण आदि ना डाले हों उसे अकृत योश बोल देंगे अकृत योश का मतलब है जो इसके अपोजिट हो जिसमें डाले हों अकृत जो मास्टर है और वो अर्कृत मास हो गया वो फिर वहां आ जाता है कि प्रभु शुद्धि में संसर्जन क्रम किस तरह से देने होते हैं ये टेबल के थ्रू समझते हैं कि जैसे प्रथम दिवस है उसके अंदर हमने शुरू कैसे करना है देखो हमने बोला था कि जब प्रभ शुद्धि होगी तो हमने कितने अंकाल में देना है ये थ्री ओके तो यहाँ पे हमने देखा है ये टेबल के अंदर भी क्या है कि जो पया है पया हमने थ्री टाइम्स देनी है प्रातः साय दिया फिर द्वितीय दिन हमने प्रातः दिया और द्वितीय दिन साय में दिया तीन अनकाल हुए वैसे हमने मध्य में क्या बोला था कि ये दो अंकालों में देनी होती है तो उन्होंने दो अनकालों में दिया है अवशुद्धि में एक बार देना होता है तो ये पयाद यहाँ पे दिया हुआ है एक बार ठीक है पेया के साथ सिमिलरली तीन तीन अनकाल हमने विलेपी दिया फिर उसी तरह से अकृत युष यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है अकृत युष एक बार दिया जाता है कृतयुष दो बार दिया जाता है ठीक है सिमिलरली विध रस तो इस तरह से करके जो कुल अनकाल बनते हैं वो हमारे बारह बन जाते हैं फॉर प्रवर शुद्धि मध्य शुद्धि के लिए आठ बन जाते हैं अवर शुद्धि के लिए चार बन जाते हैं ठीक है कितने दिनों में ये सारा पूरा हो जाता है प्रवर शुद्धि सेवन डेज मध्यम फाइव डेज और थर्ड वर्ल्ड इस फॉर थ्री डेज ठीक है उसके बाद आता है तर्पण और तर्पण और शमन औषध अब जिस आतुर के अंदर शोधन अल्प होता है या फिर कफ और पित्त का प्रधानता होती है या फिर दोष ऑलरेडी शेष रह जाते हैं या मध्यमान की आदत वाला होता है तो उसे हमने पे आदि संसर्जन क्रम नहीं देना होता उसको हम तर्पण यूज देंगे इसका रीजन भी उन्होंने बताया है कि पया जो होती है वो क्या होती है अभिषन शंद, अभिशंधि होती है अभिषंधन करने वाली होती है तो उससे वो कफ बढ़ता है तो इसलिए हमने नहीं देना होता ठीक है अब बोलते फिर अब क्या देना है तर्पण में क्या क्या इंक्लूड होता है तो उन्होंने बोला कि पया के स्थान के ऊपर स्वच्छ तर्पण यानी पतला यूश या मंथ दे दो विलेपी की जगह पे घन तर्पण या यानी गाढ़ा यूश वगैरह दे दो ठीक है सुश्रुत ने इसकी जगह और चीज कहा है कि लाजा और सत्तू के तर्पण देने को कहा है चरक ने कहा है कि जो सद्य क्षण को बल देने के लिए कुछ तर्पण गए हैं जैसे सत्तू है ना मदिरा और मधु इनका मंत्र देकर तर्पण करें या फालसा आंवला इनका तर्पण मध्य विकार को दूर करता है अरुण दत्त ने कहा है कि प्रथम अन्न के अंदर लाज सत्तु द्वितीय अन्नकाल में पुराना छाली चावल तृतीय अन्न काल का भोजन दे सकते अच्छा अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ शुद्धियां हीन मध्य और प्रवर अब ये पंद्रवा पॉइंट है जो भी वमन वाला पार्ट है उसके अंदर इसके अंदर शुद्धियों के टाइप्स बताए हैं अब चक्रवाणी ने जो शुद्धियां हैं वो चार प्रकार की तरह की बताई हुई हैं किस तरह से देखते हैं एक आंत की शुद्धि बताई है एक मान, मान की वैग की और लैंग की आंत की शुद्धि का मतलब होता है कि वमन कर्म या वमन के वेग के अंत में कौन सा दोष आ रहा है उसके अनुसार शुद्धि निश्चित करना वो आंत की शुद्धि हो गया मान की मतलब मान मतलब कितना प्रमाण निकल रहा है मतलब मान देकर प्रवर वगैरह जो भेद है उनका डिसाइड करना उसके बाद आता है वेग की मतलब कि कितने वेग आए हैं संख्या देखकर प्रवर आदि भेद से सम्यक लक्षण समझकर कर वमन पूर्ण करना और लैंग की मतलब लक्षण देखकर ठीक है अब थोड़ा सा देखते हैं कि वेग की मानकी आंत की लैंग की क्या है हम इसे याद कर सकते हैं वी एम ए एल ठीक है विमल विमल से भी याद कर सकते हैं अब देखो वेग की में क्या है अगर हमारे पास जो शुद्धि है वो प्रवर शुद्धि होती है तो वेग हमारे पास आठ आते हैं मध्यम शुद्धि में छह आते हैं अवर शुद्धि में चार आते हैं मान की शुद्धि में दो प्रश्न प्रवर शुद्धि में निकलता है मध्यम डेढ़ प्रश्न निकलता है अवर शुद्धि में एक प्रश्न निकलता है आंत की के आंत की अंत के अंदर पित्तांत आता है पित्त निकलता है पित्त निकलता है सब में पित्त निकलता है की में सम्य गमन लक्षण लिखने होते हैं ये हम पहले पढ़, पढ़ चुके हैं ठीक है ये हमने लिख देना होता है उसके बाद इस जो ये जो लैंगिक वगैरह क्राइटेरिया जो इसमें थोड़ा सा ये बताया है कि की क्राइटेरिया की इंपॉर्टेंस क्या है अब हम ये जो बेसिकली शुद्धियाँ वगैरह हैं ये क्यों हम पढ़ रहे हैं इनका क्या फ़ायदा है तो ये इसलिए फायदा होता है कि जब भी वमन हमें इस चीज़ से डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा अगर अब एंड में मान लो आठ वेग आ गए हैं तो हम समझ गए या फिर सम्यक लक्षण आ गए हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो वमन है अब हम उसे रोक देना चाहिए चक्करवाणी से इज दैट सम्यक वमन इज सिग्निफिकेंट विच गिव क्लू फॉर क्लू फॉर फिजिशियन टू अवॉइड अति योग और अयोग तो लैंग के मतलब अगर हमारे पास सम्यक लक्षण आ गए तो हमें इससे ये भी समझ आ जाता है कि भाई अभी हमें पता चल जाना चाहिए कि सम्यक लक्षण आ चुके हैं इससे ज्यादा हमने नहीं कराना है तो अतियोग और अयोग को भी हम रोक सकते हैं ये इसके अलावा द फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब करेक्ट रेजिमेंट ऑफ मेडिसिन आफ्टर द मेडिसिन जो है सही तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास पाँचवा इसके बाद जो छवा चीज आता है पश्चात क्रम में वो आता है वमन के बाल जो शोधन शमन आदि क्रम है वो किस तरह से देने हैं चरक जी ने बोला है कि चरक के बजाय यहां से हम इतना सा याद कर लेंगे चलो यही कर लेते हैं कि भाई चरक जी बोलते हैं कि समय वमन आ जाता है तो उसके उपरांत हमने संसर्जन क्रम से निवृत्त होकर नौवे दिन विरेचना सर्पी पान कराना है अथवा अनुवासन भी दे सकते हैं उसके बाद अनुवासन के तीसरे दिन रूप बस्ती दें और वमन के बाद विरेचन हम नवे दिन स्नेह और पंद्रवें दिन विरेचन देते हैं सिमिलरली वमन के बाद अगर अनुवासन बस्ती देनी हो तो वो नौवे दिन अनुवासन करा के उसके तीसरे दिन

वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डू सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी अगर तुम्हें सही लगे कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन ऑल्सो डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम थैंक यू